दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिमाचल फॉरएवर में। दोस्तों मैं लेके आया हूँ आपके लिए जॉब्स की अपडेट। और दोस्तों आज की जो जॉब्स की अपडेट है रहने वाली है IIT मंडी से। यहाँ पे दोस्तों क्या है कि कुछ पदों हेतु जो है नॉन टीचिंग स्टाफ के जो पद हैं उनके हेतु जो है आवेदन मांगे गए हैं और ऑनलाइन माध्यम से दोस्तों ये आवेदन मांगे गए हैं। और दोस्तों बात करते हैं पदों की, किस कौन सी कैटेगरी के पद रहेंगे। दोस्तों यहाँ पे इन्होंने बताया है कि ये जो पद रहेंगे जूनियर असिस्टेंट के पद रहेंगे। लेवल 3 का आपको पे स्केल मिलेगा। एज लिमिट दोस्तों यहाँ पे 30 वर्ष रहने वाली। दोस्तों बात करते हैं कैटेगरी वाइज। दोस्तों यहां पे एससी कैटेगरी के 2 पद रहेंगे, ओबीसी के 6 पद रहेंगे, ईडब्ल्यूएस के 3 पद रहेंगे और अनरिजर्व कैटेगरी के यहां पे 8 पद रहेंगे। दोस्तों टोटल दोस्तों कुल मिला के 19 पदों के ऊपर जो है ये भर्ती प्रक्रिया होने वाली है। अब दोस्तों बात करते हैं इनके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। दोस्तों जो यहां पे इन्होंने बताया है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे इन्होंने बताया कि आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए और विद कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की एटलीस्ट का 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए या तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स या साथ में कंप्यूटर की आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे DRF में मैंने बोला है कि एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग एस्टेब्लिशमेंट मैटर लीगल परचेज एंड इम्पोर्ट अकाउंट ऑडिट हॉस्पिटलिटी ETC। अब दोस्तों बात करते हैं कि इन पदों के लिए एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली है, कैसे आपको अप्लाई करना होगा। दोस्तों इन पदों के लिए जो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो एप्लीकेशन फीस रहेगी वो आपको कैटेगरी वाइज दोस्तों यहाँ पे फीस करनी पे करना पड़ेगी। इसमें 2 टाइप से फीस पे होती है कि एप्लीकेशन फीस प्लस प्रोसेसिंग फीस। तो दोस्तों यहाँ पे जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनको टोटल फीस जो सबमिट करनी होगी वो 500 रुपये करनी होगी और ओबीसी वालों के लिए 400 रुपये करनी होगी। SC ST वोमेन और पर्सन विद डिसेबिलिटी या ESM इनके लिए दोस्तों 300 रुपये फीस है। और इन्होंने बोला है कि जो प्रोसेसिंग फीस है जो ये SC ST ओबीसी वाले हैं इनके लिए प्रोसेसिंग फीस इनको पे नहीं करनी होगी। और दोस्तों ये जो फीस है आपकी यहाँ पे मेन बात आती है कि आपको कैसे पे करनी होगी। तो दोस्तों ये जो फीस है आपको SBI कलेक्ट के थ्रू पे करनी होगी। तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं नेम ऑफ बैंक का आपको SBI चुनना होगा। बैंक एड्रेस आपको ये जो दिया है SBI IIT कनाड मंडी ये चूज करना होगा। अकाउंट नंबर ये दिया गया है, IFSC कोड दिया है, MISR कोड दिया है। तो आपको दोस्तों इसके माध्यम से SBI कलेक्ट के माध्यम से आपको अपनी फीस सबमिट करनी होगी। अब दोस्तों बात आती है कि ये जो पद है ये 2 ईयर के कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये पद भरे जाएंगे। और अब दोस्तों बात करते हैं कि आपको इनके लिए आवेदन कैसे करना है। तो जो दोस्तों आप यहाँ पे सामने देख रहे हैं ये जो इन्होंने अपनी वेबसाइट के लिंक दिए गए हैं, इन लिंक्स पे जाके दोस्तों आपको जो है अपना आवेदन फॉर्म जो है सबमिट करना होगा और जो भी फीस वगैरह है वो आपको सबमिट करनी होगी। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी डिटेल आपसे पूछी जाएगी वो आपको मैंशन करनी होगी। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जो एज रिलैक्सेशन है एज पर जो रूल है जो गवर्नमेंट का उसके अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगी। जैसे SC ST वालों के लिए 5 वर्ष की है और OBC वालों के लिए 3 वर्ष की है। तो दोस्तों जो कोई भी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहता है वो इस लिंक इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके आवेदन कर सकता है। और दोस्तों इन पदों को जो फिलअप करने की जो यहाँ पे इन्होंने लास्ट डेट बताई गई है तो आपकी लास्ट डेट इसके लिए 9 अप्रैल 2023 रहेगी। 9 अप्रैल 2023 तक आप अपना फॉर्म जो है सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। वैसे जो भी इसमें मेन पॉइंट्स है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ही दिए हैं। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह के जॉब्स के रिगार्डिंग अपडेट के लिए आप बने रहें हिमाचल फॉरएवर के साथ। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। जय माता दी।